मोहम्मद आए तो सिरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हजूर आए तो दुनिया को जीने का शऊर आया। आज के दिन को आशिकाने रसूल ईद से भी तशबीह देते हैं, और क्यों ना दें, इस मुबारक दिन नबी मोहतरम शफी मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। यही वजह है कि आज के दिन हर जगह नालैन मुबारक की तशबीहात सब्ज झंडे, बरकी कुमकुमें, झाड़ फानूस, फूल कलियां और रंग बिरंगे गुलदस्तों से रास्ते सजे नजर आते हैं। सबकी कोशिश है कि आराइश का कोई सामान बाकी ना रहे। ताज़ीनो आराइश का यह सिलसिला यकम रबीउल अव्वल से शुरू होकर 12 रबीउल अव्वल को नुक्ता अरूज पर पहुंच जाता है। यूं तो इश्के मुस्तफ़ा के ये मनाजर मुल्क भर में नजर आते हैं, मगर शहर इकबाल के बासी हसब रवायत इश्के रसूल में भी मुनफरद नजर आते हैं। दुरूद व सलाम की महाफिल के साथ साथ मेलाद के जुलूस बरामद किए जाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश करने के लिए हर गली मोहल्ले से फौजी बैंड बरामद किए जाते हैं। शहर भर में खाना काबा, मस्जिद नबी, गुम्बद खजरा के मॉडल्स बनाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। अरब तहजीब को जिंदा करने के लिए मखसूस काफिला तरतीब दिया जाता है, जिसमें आशिकाने रसूल अरब लिबास पहनकर घोड़ों, ऊंटों और बग्गियों पर बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद पानी और दूध की सबीले लगाकर आशिकाने मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है। मजहबी हलकों का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियां उम्मत मुस्लिमा में इश्क रसूल बेदार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ मियां मोहम्मद अशफाक, 24 न्यूज, सियालकोट।